हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? अल्लाह से उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और मैं यहाँ पे जो आई हूँ, ये सऊदी का एक मॉल है, यहाँ अजीज़िया में एक मॉल थे सऊदी में। तो हम जब हज पर गए थे तब मैं इस मॉल में आई थी। तो यहाँ पे मैंने जो है बहुत सारी चीज़ें देखी, यहाँ पे सब मास्क वगैरह थे। तो ये मैं आपको भी दिखा रही हूँ, आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ कि देखिए किस तरह के मास्क थे। ये बहुत बड़ा एक मॉल था जहाँ पे जो फेशियल किट और जो यहाँ के सब थी तो एक साथ यही पड़ा था। तो मैं वहाँ पे चली गई थी, तो मुझे है वहाँ पे जो है अपने एक इंडियन शख्स मिले जो लखनऊ से थे। उन्होंने भी मेरे साथ बहुत सारी बातें की और इन्होंने बहुत मुझे सजेस्ट भी किया कि आप ये ले जाएँ, ये सब अच्छा ही है। तो उन्होंने मुझे एक बुक भी दी, बहुत अच्छी, एक बहुत अच्छी कीमती बुक दी मुझे, जहाँ पर वहाँ सब चीज़ें सब लिखा हुआ था। तो बेचारे वो 5-7 साल हो गए जो इंडिया नहीं आए थे, तो बहुत अपनी फैमिली को उन्हें मिस कर रहे थे। तो मुझे भी सब बातें इन्होंने की और फिर ये सब मुझे ये सब बताया इन्होंने। तो मैंने भी यहाँ पर सब देखा, तो इतनी सब चीज़ें थी जो फेस के ऊपर लगाने के लिए और फेस के प्रोडक्ट थे। तो सऊदी में तो जो है सब बहुत अच्छा है और मॉल भी बहुत बड़े बड़े हैं। तो देखिए सब कितना है, कहाँ कहाँ का सब यहाँ पे सब माल सब पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो मैं जो है देख रही थी कि कौन कौन सा अच्छा है, इतने सब प्रोडक्ट इतना सब था कि कौन सा लें और कौन सा नहीं लें ये समझ में नहीं आ रहा था। तो इतना सब, ये देखिए 13 रियाल का ये, और सब अलग अलग कीमत के नहीं थे और बहुत बड़े बड़े थे ये सब लेने के। तो कम से कम मैंने 2-3 लेके आई थी, जो मुझे समझो नहीं, एक साल के ऊपर जो है ये सब मुझे ख़त्म करने में इसको लग गया। तो काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट थे वहाँ के और सब ज़्यादातर तो यूएई के और बाहर के ही थे। ये भी देखिए 13 रियाल का है, ब्यूटी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा थे। तो मैं तो ऐसे ही चली जाती हूँ, मुझे तो ब्यूटी प्रोडक्ट और सब किसकी बहुत है। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं अब क्या लूँ और क्या नहीं लूँ। तो यहाँ पे सब इतने सब थे और तरह तरह के थे। तो ये देखिए, एप्रिकोट, स्ट्रॉबेरी, स्पार्कल वाले ना बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट थे यहाँ पे। तो मैंने देखिए वाइट ये मास्क लेके आई थी एक वहाँ से, जेंट्स के भी यहाँ पे इतने सब थे। तो फेयरनेस माइल्ड मास्क है, लेडीज़ जेंट्स सब तरह के सब बहुत सब थे। इतनी सब वैरायटी थी कि इंसान जाता है तो एकदम खो ही जाता है। और मुझे तो वहाँ ऐसी सब चीज़ों में बहुत इंप्रेस होती हूँ मैं तो, इन सब चीज़ों के और मैं दीवानी सी हो जाती हूँ, थोड़ी पागल हो जाती हूँ कि ये सब देख के ना मैं कि मैं किसको ट्राई करूँ ना करूँ। मुझे खूब खो है अपने, मुझे खुशबू से भी इतनी मोहब्बत है कि मैं जहाँ भी वह तरह तरह के बस खुशबू भी सुनती रहती हूँ कि कब कौन सी स्मेल जो है वो अच्छी है। तो यहाँ पे देखो कितने सब वैरायटी है, अगर इसको रिकॉर्ड करने जाएंगे तो पूरा के पूरा दिन क्या पूरा कितना टाइम निकल जाएगा एक एक को उठा उठा कर देखेंगे। तो बहुत सारे प्रोडक्ट थे वहाँ पे, वहाँ के मॉल की बात ही कुछ और है, बहुत अच्छे हैं वहाँ पे। ये जब की बात है जब 2019 में हम हज पढ़ने गए थे, तो हज के बाद फ्री टाइम था हमारा और हमारा प्लेन को भी 2-3 दिन का वक्त था। तो शॉपिंग पे गए थे तो अल्हम्दुलिल्लाह से अजीज़िया में बहुत अच्छे अच्छे मॉल है, तो वहाँ चले गए थे। हमारे जो होटल थी वो बिल्कुल सामने ही थी और बिल्कुल पास में था हमारे होटल के पास, वहाँ पर आइला मॉल वहाँ पर ही था हमारा सब होटल और ये भी वहीं पे था। तो ये बहुत पुराना रिकॉर्ड है, तब मैंने इसको रिकॉर्ड करके आया था तो रखी थी मैं इसको रिकॉर्ड करके। तो आज मैं जो है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मेरी पुरानी यादें भी जो है वो ताज़ा हो जाएंगी। इतने हैं, इतनी वैरायटी है कि इंसान क्या क्या देखे क्या क्या नहीं देखे। देखे आप भी देखेंगे तो आप भी खुद हो जाएंगे कि कितना अच्छा नहीं, कितना खूबसूरत मॉल है, बहुत अच्छे वहाँ पे। तो हमारे हज के कितने 4-5 दिन बाद ही हमारा प्लेन था रिटर्न का। तो इतना टाइम तो हमने जो हज के ने जो कर लिए थे तो इतना थक गए थे सब, हमारे सभी को सब ख़त्म हुआ, मतलब हज का ने सब प्रोसेस ख़त्म हुआ हमारा सब।
हमारे फ़राइज थे वो पूरे हो गए हज के बाद। और यहाँ देखिए परफ्यूम, यहाँ परफ्यूम के कॉम्बो थे, तो मैं वहाँ से यहाँ आई हूँ परफ्यूम में। तो ये परफ्यूम भी देखिए कितनी वेराइटी है यहाँ पे कि इंसान कितना कितनी शॉपिंग करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी बहुत शॉपिंग की, मेरे हस्बैंड ने बहुत मुझे शॉपिंग करवाई वहाँ से, मुझे कोई चीज़ की कमी नहीं होने दी, बल्कि मैं एक चीज़ लेती थी तो मुझे दूसरी बोलते थे ये भी ले लो आप, ये भी ले लो आप। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड बहुत केयरिंग और लविंग है, तो बहुत सारी मुझे शॉपिंग करवाई वहाँ से, मुझे कोई चीज़ की कमी नहीं होने दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने बहुत सारी शॉपिंग की वहाँ से, और सबके लिए भी लेके आई मैंने, सबको देने के लिए, और सबको देना भी पड़ता है वहाँ से सब चीज़ें लाके। तो मैंने बहुत सारे वेराइटी वहाँ से मैंने परचेज़ की और बहुत सब चीज़ें लेके आई वहाँ से। मैंने वहाँ की याद आती है तो बहुत एकदम जी जल जाता है कि हम लोगों ने नहीं सोचा था कि हम इतना लास्ट टाइम या फिर ऐसे जा रहे हैं। हम लोगों ने तो यही उम्मीद करके आई थी कि हम 6 महीने में या फिर थोड़े टाइम में ही हम लोग उमरा करने चले जाएंगे, क्योंकि हज में इतना ही मज़ा आई हमें हज करने में और वहाँ पे रहने में, कि वहाँ हमें यूँ फील होता था कि अल्लाह ताला कितने नज़दीक है हमारे। तो मैं जब वहाँ जाती थी हरम में तो वहाँ से निकलने का मन ही नहीं करता था, तो बहुत अच्छा लगता था वहाँ पर, इतना सुकून मिलता था दिलो दिमाग को। देखिए चार्ली का है, शॉपिंग करनी हो तो फिर अजीज़िया में ही करो, वहाँ पे बहुत सारे मॉल हैं, टॉप 10 मॉल और आइला मॉल और कौन कौन से मॉल, इतने सब मॉल हैं, बहुत सब मॉल हैं। और जो हज के बाकी दिन रह जाते हैं हज के बाद के मतलब के, तो वापसी के, तो हमें भी बहुत मज़ा आई वहाँ पे सब शॉपिंग करने के, तो बहुत ज़्यादा शॉपिंग हो गई थी। अल्लाह ताला क्या मालूम कब हमें दोबारा वहाँ बुलाएगा और हमें वापस वही सब याद रहेगी। तो इंसान की जो याद रहती है वो दिलो दिमाग में एक बार हो जाती है, और जो फर्स्ट एक्सपीरियंस रहता है वो शायद कभी मैं फील ना कर पाऊँ, या फिर कभी मैं दोबारा से इसको महसूस कर ना पाऊँ कि किस कैसी फीलिंग थी वहाँ पहले गए थे हम। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हज भी बहुत अच्छा गया था और हमें जो साथी थे वो भी बहुत अच्छे मिले थे, तो मैं बहुत याद करती हूँ। और कभी मुझे बहुत रोना आ जाता है कि ये क्यों इस तरह से सब ऐसा सब निकला और हम दोबारा नहीं जा पाए, वरना अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पोजीशन भी अच्छी है कि हम वापस से जो है उमरा भी करने चले जाते, और हम यही उम्मीद लेके आए थे कि हम दोबारा से जाएंगे और उमरा भी करेंगे। मेरे हस्बैंड को भी बहुत था कि मैं हम वापस जाएँगे, लेकिन ये सब जो निकला है सब ये वायरस का ने, तो सब इतनी सख्ती, इतना नामुमकिन जैसा लगता है कि आप दोबारा से जाएंगे इतनी फ्रीडम होके, वहाँ जब जाओ तब अंदर चले जाओ, इंटर हो जाओ हरम में। अब तो देखिए कितना स्ट्रिक्ट हो गया है मामला, कि वहाँ पे जाने के लिए भी हमें कितने प्रोसेस करके गुजरना पड़ता है, फिर जाके वहाँ पे सब एंट्री होती है। शायद अल्लाह ताला नाराज़ हो गए हैं हमारे से सबसे। कितने सब है देखिए ना, इंसान कितना भी कोई भी हो तो जो दिल से कंट्रोल करना चाहे लेकिन वो कंट्रोल कर ही नहीं सकता है, कितना ख़रीदने का मन होता है। मुझे तो शॉपिंग का बहुत शौक़ है वैसे भी, और अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे हस्बैंड कभी मुझे ना नहीं कहते, हमेशा मुझे हर चीज़ की फरमाइश नहीं करूँ लेकिन मुझे लेके तो देते ही हैं, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई चीज़ की कमी नहीं रखी अभी तक। वहाँ से मुझे गोल्ड की भी बहुत सारी शॉपिंग करवाई इन्होंने, और ये सब भी एक्स्ट्रा सब चीज़ें थी जो मैं मुझे जो शौक़ है सब चीज़ें लेने का, वो भी उन्होंने मुझे बहुत सारी ख़रीद के दी। वहाँ की मॉल की ने अलग ही बात है, हर चीज़ की अलग बात है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है वहाँ के सोचने से ही। वहाँ पे हर चीज़ अल्लाह ताला, जैसे कि इंसान कितना खुश हो जाता है ऐसी सब चीज़ें सब देख के कि अल्लाह ताला ने क्या कायनात बनाई है, और अपने यहाँ की जो बात है वो बिल्कुल अलग है। हम जब वो चीज़ें जब संभाल के रखते हैं तो हमें एक याद रहती है कि हम जो ये वहाँ मक्का से लेके आए थे ये हमारी मक्का की चीज़ें हैं। तो मैंने तो बहुत सब यादें हैं जो है वो जमा करके रखी हैं, और अभी भी मुझे बहुत सब यादें हैं। मैंने इतनी सब फ़ोटोज़ ली थी, हालांकि सब इतना वो कर रहे थे कि फ़ोटोज़ नहीं खींचो, लेकिन मैं अपनी आदत से बिल्कुल मजबूर हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब करना, और एक याद रहती है। हालांकि मैंने अंदर हरम के अंदर की और मदीना के अंदर की मैंने एक भी फ़ोटो नहीं ली हूँ, लेकिन बाहर